ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਤਪੋ ਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਲੇ ਪਾਏ ਹਨ। ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਯਾਤਰਾ ਨਿਰਵਿਘਨਤਾ ਸਹਿਤ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਆਦ ਵਿਆਦ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਾ, ਸੰਗਤਾਂ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹਸਤਿਤ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਨੋਕਾਮਨਾ ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ एक सौ पच्चीस लोगों को एक साथ लेके जाना, एक साथ ले और उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखना। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो मेरे यारो। खालसा सेवक जत्था, दिस नेम इज एप्ट बिकॉज सारे खालसे दे जेड़े गुण हैं वो इस सेवक जत्थे विच है। खालसा सेवक जथा मुंबई दे वल्लों श्री हेमकुंड साहिब दी यात्रा दा सफलता पूर्वक आयोजन किया गया है। हर साल दी तरह इस साल भी यह यात्रा प्रारंभ होके मुंबई अते दिल्ली दी संगत दे नाल हेमकुंड साहिब पहुंची। इस मौके दे उपर खालसा सेवक जथे दे वल्लों संगत दे लई हर प्रकार दी सहूलत दा बंदोबस्त किया गया सी। 28 जुलाई नू शुरू होके मोती बाग गुरुद्वारा साहिब दिल्ली विखे 2 अगस्त नू संपन्न हुई है। अते इस मौके दे उपर की होर जानकारी सांझी कीती जा रही है, आओ ए वी सुनदे हां। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज असी सारे श्री हेमकुंड साहिब तपो स्थान श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा इत्थे पुज्जे हां। खालसा सेवक जथा ने बहुत ही सोहना अरेंजमेंट किया है, बहुत सोहने दर्शन, बहुत सोहना कीर्तन, भावे श्रीनगर या गोबिंद घाट गुरुद्वारे हर जगह होया है। जो वहां का नजारा, इट्स जस्ट लाइक हेवन। आपको, आप कहीं भी चले जाओ मुझे लगता है दुनिया में, आपको वो नजारे नहीं मिलेंगे जो आप हेमकुंड साहब में ऊपर जाकर आप देखते हैं। सो वहां आपको पहुंच के बहुत सुकून मिलता है। जो अभ्यास करम तरम कर अनेक प्रकार की ये बहुत जटता। लंगर भी अपरंपार वर्त्या है, वर्ताया गया है। बिंद्रा जी दा ते बाकी सारे सेवकां दा बहुत बहुत धन्यवाद कि महाराज इन्हां नूं इसे तरह खुशियां बख्शन, होर इन्हां दी तरक्की होवे। अज दास नूं सेवा सिंह, मैं मैनेजर गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब, तो बबलू वीर जी दा जथा बॉम्बे तों जिहड़ा कि हर साल यात्रा ते आउंदा है, साडे लई भी, सेवादारां लई भी ते गुरु घर लई भी बहुत सारा माण सत्कार करदे आ इह। और हर साल जथे दी जिहड़ी गिणती आ इहनां दी वधदी है। गुरु महाराज के चरणा च अरदास है कि इस तरह ये जुड़े रहन, संगत को श्री हेमकुंड साहब जी के दर्शन दीदारे करवाते रहन। असी सरदार सेवा सिंह जी और जो मैनेजर साहब साढ़े हेमकुंड ट्रस्ट के इतने सेवा कर रहे हैं, इन्हों का बहुत बहुत शुकराना। जदों भी असी इन्हों किसी प्रकार की सेवा का खाली एक फोन करिए, अगे हो के साड़ी सारी जी है ख्वाहिश और साड़ी जो मंग होंगी है पूरी कर दे। असी इन्हों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ अपने जत्थे वालों, खालसा सेवक जत्था बॉम्बे शेरे पंजाब। और असी उम्मीद करते हैं अगे भी सानू इस प्रकार अपना कोऑपरेशन देते रहन, ता जो असी इस प्रकार यात्रा अपनी चालू रख सकीए। आईया संगतां दीआं हाजरियां तिल फुल भेटावां दर प्रवान करनी, यात्रा सफल करनी। नाम चढ़दी कला
मेरा नाम अरजत सिंह, मैं खालसा जत्था सेवा कोल मुंबई कोलों हेमकुंड साहिब की यात्रा से आया सी। ते यात्रा बड़ी सफल रही, असी पहुँच भी गए ने। सानू टोटल 4 दिन लगे, 2 दिन ट्रैवलिंग दे ते 2 दिन उपर चढ़न दे। ते जेड़ी भी सेवा कीती खालसा सेवा जत्था ने वो प्रॉपर सी। एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, फूड, एवरीथिंग वॉज परफेक्ट। मज़ा आ गया, इससे बढ़िया हो ही नहीं सकता। हेमकुंड साहिब की साड़ी यात्रा बहुत ही अच्छी रही है। गुरु गोबिंद सिंह जी सानू अपने दर्शन दी दाल बख्शी है। किसी भी असंता आओ अपने दर्शन लो इत्थे। सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्भय अकाल पुरख प्रचुरी सहम गुण प्रसाद। आज सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी विच। हम लोगों ने दिल्ली से यात्रा शुरू करी सुबह 4 बजे। यू नो एवरीथिंग वाज वेरी कंफर्टेबल एंड आई थिंक सो वेल ऑर्गेनाइज्ड। वहाँ से हम रिवर साइड रिजॉर्ट में पहुँचे। हम रात रुके आराम से। मनप्रीत आनंद खालसा सेवक जत्था वालों, हर साल दतार पिता साढ़े उत्ते अटूट बख्शिश करते ने। इस साल भी साढ़े उत्ते बहुत मेहरबानी हुई है, बहुत बख्शिश हुई है सारी संगता ने। इन्ने सोने दीदार किते। हम अगले दिन गए गोविंद घाट, वहाँ हमने रात को स्टे किया। अगले दिन वहाँ से हमने सुबह चढ़ाई करी, सबने अपने अपने तरीके से चढ़ाई करी। मैं पैदल गई जैसे बाबा जी ने मुझे बुलाया, गोविंद घाट से गोविंद धाम, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 10 किलोमीटर्स। और फिर हमने रात को वहाँ गुरुद्वारे में स्टे किया एंड इट वॉज कम्फर्टेबल। अगले दिन हम सुबह गोविंद धाम से हेमकुंड साहब के लिए, कई लोगों ने जैसे जिसको ठीक लगा, कोई घोड़े पे गया, कोई पैदल गया। वहाँ पहुँचने पर बहुत सुकून मिला, अच्छे से अरदास अटेंड करी। मैं जपनीत कौर बॉम्बे तो आई हाँ हेमकुंड साहब की यात्रा से जत्थे के नाल। तो एक्सपीरियंस बहुत ही वधिया, जत्थे ने सब कोई चीज़ की कमी नहीं छोड़ी, सब अच्छी तरह ध्यान दिता है, खाना पीना रहना। It was very comfortable and very good. मैं second consecutive year खालसा सेवक जत्था नाल हेमकुंड साहिब की यात्रा ले आए हाँ, ते नाल दूसरे लोगों नू भी लेके आई हाँ। साड़ा experience बहुत ही वधिया सी। ते मेरा first year मतलब first time है, ते मैनू बहुत डर लग रहा सी कि मैं किस रंग जावांगी। So she was there with me. She told me you can come with them. So, they will arrange everything for you smoothly. There is no any tension anything. During our journey, you know, many people helped us a lot. And these people, Jatha, organized each and everything. You know, we don't have any tension and all. You know what we will do in future. The things were many much organized. And हमने काफी ज़्यादा अच्छी तरीके से दर्शन भी कर लिए गुरु महाराज के. And बहुत अच्छा experience था. The heartfelt gratitude for these 5 jathedars जिन्होंने इन्ने मन दे नाल इन्ने प्यार दे नाल सानू सारयां नू ये दर्शन कराए ने हेमकुंड दे। एक जकारा बोले सो निहाल। सच में थैंक यू सो मच फॉर ऑल दिस इवेंट ऑन, मतलब मैं अकेले ही ट्रेवल करता हूँ मोस्टली, लेकिन हेमकुंड साहिब जाने का मौका मिला मेरे को, वो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कीर्तन सुन, मतलब मैंने पहली बार कीर्तन किया होगा, इट्स वेरी इमोशनल ऑल्सो कि आप
अब पूरा आप ट्रैक करके वहां तक पहुंचे बाबा जी के पास तक, आप पहुंचते हो वहां बैठते हो, उसके बाद थॉटलेस होके आप बैठो। जब हम लोग ने प्रोग्राम बनाया तो बात हुई कि मौसम बहुत खराब है, उसके बावजूद जब मैंने प्रोग्राम बनाया तो मेरे घर वालों ने, इस उम्र में जनरली पेरेंट्स अपोज नहीं करते हैं, मेरे दो ब्रदर्स हैं सिस्टर हैं, सबने मुझे हिंट में तो बोला हल्का सा कि आपको इस सेशन में इस सीजन में नहीं जाना चाहिए, लेकिन मैं पिछले 7 साल से स्ट्राइव कर रहा था कि मुझे जाना है। ऑल्दो दिस ट्रिप इज नॉट प्रोफेशनल, बट प्रोफेशनली मैनेज जो कहते हैं, एक IIM अहमदाबाद, IIM कलकत्ता भी वो इसको मैनेज नहीं कर सकता। 125 लोगों को एक साथ लेके जाना, एक साथ ले और उनकी एक एक जरूरत का ख्याल रखना, आई एम सो ग्रेटफुल टू मनप्रीत मैडम, आई एम सो ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच। जो मैं फर्स्ट टाइम आया तो मैं बबलू जी बी जी पहले क्या, जो तो जाना है पहली बार मेरा नाम लिख बिना पूछे, जो भी जो हेमकुंड साहब जाते हैं कोशिश करो जत्थे नाल जाओ, क्योंकि कल ही जाना और जत्थे नाल जाना ना बहुत फर्क है। मैं लगभग 35 ईयर से स्मोक करता था, मैंने इस ट्रिप पर स्मोक छोड़ दिया है, बस यही चीज शेयर करना चाहता था मैं आप लोगों से। और इस ट्रिप का मैं मतलब मैं कहता हूँ मेरे पास बाबा जी का आशीर्वाद है, मतलब दुनिया की कोई शक्ति मुझे नहीं छुड़ा पाई थी, पर मेरे बाबा जी की शक्ति ने मेरे स्मोक छुड़ाई है, मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करूंगा। ते मैं बाबा जी दे आगे, वाहेगुरु जी अकाल पुरख दे आगे ए अरदास कर दिया कि अगो तो वद संगत इना नाल जुड़े, वद तो वद संगत इना नाल हेमकुंड साहिब दी यात्रा ते जाए। मेरा नाम जोया है, मैं अहमदाबाद से आई हुई हूँ इधर। ये यात्रा में मेरे को बहुत मजा आया, सबका बहुत अच्छे से ख्याल किया गया था, जो भी सबकी नीड थी वो तो पूरी की गई थी, और सबके साथ इंटरेक्शन भी बहुत अच्छा हुआ था। जो मेमोरीज थी ना वो तो रहने वाली है मेरे साथ। आई एम राजेंद्र को सब लोग, आई कम फ्रॉम हुबली एंड आई एम 68 ईयर्स ओल्ड। दो माय किड्स एंड माय हस्बैंड वर नॉट विलिंग, they told me your fitness level is very low and so please don't go. I told no, I want to go and I came, but I'm very very happy I've come. It was just like a big family. Myself Harleen, now Jaintwa, Madhya Pradesh. I just turned out to be 18 and main se ki mera pehla trip ya to Harmandir Sahib kal le ya fir Hemkund Sahib hona chahiye tha, and that was so strong that it came out. किधरों कितने तक लग ही नहीं रहा सी, मतलब मैंने सी शुरू की है सोलो ट्रिप है, मतलब विदाउट पेरेंट्स। आई केम विथ माई रियल आंट एंड माई यंगर ब्रदर, बट स्टिल इट वॉज विदाउट पेरेंट्स। सब अच्छी तरह होया, बहुत वधिया, संगत भी बहुत कोऑपरेटिव सी, सब इंटरैक्टिव सी, जो पांच जत्थेदार सी उन्होंने भी बहुत अच्छी तरह अटेंड किया। कितों कितने तक एनी जी भी इधर बोलते एकदम एरर फ्री सी, कंप्लीटली प्रॉपर। मैं गगनदीप कौर भाटिया, मेरा बड़े साला तो मन सी कि मैं हेमकुंड साहिब की यात्रा करा, पर कभी संजोग नहीं बने कि मैं आ सका। इस बार जदन मैं बैनर देखिया सी साइन गुरुद्वारे, तो आई फेल्ट कि आई शुड ट्राई। मैं गल की बबलू वीर जी नाल, द मोटिवेशन ही गेव वॉज ट्रिमेंडस कि तुसी चलो, किसी चीज़ तो डरन की लोड़ नहीं, असी पूरा ध्यान रखेंगे, लैंडस्लाइड्स या रेनफॉल इन्ना सोचने की लड़ नहीं, वाहेगुरु ते विश्वास रखो। एंड आई एग्रीड, और जो साडे दर्शन होए वो भी इन्ने अच्छे होए कि डिवाइन एक्सपीरियंस कांट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। The words are very few to thank them, especially to Bablu Veerji who encouraged me for this trip. Hemkund Sahib Darshan was very amazing. Khulle Darshan Didare Baba Ji ne sanu ditte. My name is Avneet Kaur Obhan. I'm from Mumbai. The trip was very well organized, very well planned. Thank you so much Khalsa Sevak Jatha for planning everything so very meticulously. Main Harveen Singh Anand, darshan karan da is var आनंद आया है, वह अज तो पहले मैं कदे नहीं आया। इन्ना सोहना मौसम सी इस बार, असी पहुंचे उस तो पहले साढ़े लिए साड़ी रोटी का प्रबंध, साढ़े रहन का प्रबंध, जत्था उत्ते जाण विच खच्चर पालकी पिट्ठू सब चीज़ की अरेंजमेंट है गुरुद्वारे वालों, तो बहुत रीजनेबल रेट्स ने। तुसी जाओगे रस्ते में तुहानू खाण पीन की फैसिलिटीज भी है ने। दास अमृतपाल सिंह ਮਿੰਦਰਾ ਬਬਲੂ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ, ਖਾਲਸਾ ਸੇਵਕ ਜਥਾ, ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਯਾਤਰਾ ਸ੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ
ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟ੍ਰਿਪ ਵਿੱਚ ਸਾਸੀ ਲੋਂਗ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਜੋ ਕਠਿਨ ਯਾਤਰਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਪਿੰਡ ਰਸਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਦਾਤਾਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪ ਅੰਗ ਸੰਸਾਈ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕਰੀਦਾ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਤਪਰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ 28 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋ ਕੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਆਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਉੱਥੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤ ਕੀਤੀ ਉਪਰੰਤ ਯਾਤਰੀ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਖੱਚਰਾਂ 'ਤੇ ਕੁਛ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਤੇ ਕੁਛ ਪੈਦਲ ਸੰਗਤ ਆਪਣਾ ਇਹ ਬਿਖੜਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੋਬਿੰਦ ਧਾਮ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਸਾਈ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਔਕੜ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੰਗਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨੀਚੇ ਆਈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗੋਬਿੰਦ ਘਾਟ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਔਰ ਦੇਹਰਾਦੂਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕਾਇਰਾ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਲੰਚ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਨੰਦ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੇਮਕੁੰਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਂ 10-12 ਵਾਰ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਮਗਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵਜਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣੇ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮਗਰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮਿਹਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਿਆ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਕੁਝ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ ਸਨ ਬਾਬਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਬੜੀ ਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਹੈ ਸਫਲ ਹੀ ਰਹੇ ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਬਲੂ ਵੀਰ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਰਗ ਤੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਭ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋਏ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜੋਗੇ ਔਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਰੌਣਕ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਹੋਪ ਯੂ ਆਲ ਹੈਵ ਇੰਜੋਇਡ ਈਚ ਐਂਡ ਐਵਰੀ ਮੂਮੈਂਟ ਵਿਦ ਈਚ ਅਦਰ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਥੈਂਕਸ ਟੂ ਦਸ਼ਮ ਪਿਤਾ ਹੂ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ ਅਸ ਸੱਚ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ I think, you know, in many years we have not seen it. It was so, so beautiful, no rains. People are calling us from Delhi, Mumbai, heavy rain, don't go here, don't go there. And we're like, nothing is happening here. Babaji is blessing us and like this we will go back home safe and sound. Khaas karke Manpreet Kaur, jo Delhi to itthu hi bus leke Motibagh Gurdwara to Sangtan nu leke sade naal is jathe vich shamil hoye san. ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਮੋਤੀ ਬਾਗ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋਤੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖਿਮਾ ਦੇ ਜਾਚਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ